इटावा नगर पालिका के करीब 1.5 करोड़ से अधिक लागत से शुरू होने वाले विकास कार्यों का पीपलदा विधायक रामनारायण मीणा ने शिलान्यास कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक रामनारायण मीणा ने कहा कि नगर का विकास हम सबकी पहली प्राथमिकता है, इसके लिए हमें राजनीतिक सोच से ऊपर उठना होगा। विकास कार्य पूर्ण गुणवत्ता से हो, इसके लिए हम सबकी सजगता व जिम्मेदारी है। कहीं भी कमी लगे तो हमें अधिकारियों को बताना है। उन्होंने कहा कि देश में राजनीति का स्तर गिर रहा है, लेकिन आप लोगों को जब भी चुनाव हो, राजनीति में पार्टी नहीं देखते हुए योग्य व्यक्ति को अपना जनप्रतिनिधि बनाना है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इटावा में महात्मा गांधी विद्यालय के लिए भूमि आवंटित हो गई है, जल्द ही निर्माण शुरू होगा। इसके अलावा अस्पताल क्रमोन्नत हो गया है, पशु चिकित्सालय व सरकारी महाविद्यालय के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि केतुदा चंबल पुलिया की DPR बन गया है, वहीं शहनवदा के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर इटावा SDM रामावतार बरनाला ने कहा कि यह कार्य नगर बस्तियां में होने के बाद लोगों को राहत मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि नगर की सफाई व अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी पालिका ध्यान दे। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़, और प्रेस करें बेल आइकन को।